गुड मॉर्निंग। कल हम लोगों ने संख्या पद्धति के ऊपर चर्चा की थी और उसके अंतर्गत कुछ मुख्य बिंदु थे, वो बिंदु थे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या थी, नेचुरल नंबर्स क्या थे, वे संख्याएं थी जिनसे हम वस्तुओं की गिनती करते हैं। वो शुरुआत कहाँ से होती है, उनकी वन से, एक से शुरुआत होती है। अगर किसी से कहा जाएगा गिनती गिनने के लिए तो वो एक से ही शुरुआत करता है, एक दो तीन चार। तो इसी तरीके से इसमें जो प्राकृतिक संख्याएं थी, इसमें दो बिंदु हम लोगों ने चर्चा की थी जो नोट करने लायक थे। वो क्या थे कि जो शून्य है वो प्राकृतिक संख्या नहीं है, और निगेटिव नंबर से, जितने भी निगेटिव नंबर से, चाहे -1, -2, -3, कोई भी नंबर हो, अगर उसके वो निगेटिव में है, माइनस में है, तो वो नेचुरल नंबर नहीं होता, वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। और उसके बाद हमने चर्चा की थी होल नंबर्स पे। होल नंबर्स क्या, वे सभी संख्याएं वे नेचुरल नंबर ही हैं, लेकिन उसमें अगर हम जीरो को इंक्लूड कर ले रहे हैं, जोड़ ले रहे हैं, शामिल कर ले रहे हैं, तो वो क्या बन जा रहा है, वो बन जा रही है पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, वो शुरुआत होती है जीरो से। होल नंबर की शुरुआत जीरो से होती है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 जहां तक गिन सकते हैं वो सभी होल नंबर्स हैं। इंटीजर नंबर्स क्या होते हैं, पूर्णांक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्याओं में तीन चीजें होती हैं, उसके तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से पूर्णांक संख्याओं में, पूर्णांक संख्याएं वो उन संख्याओं का समूह है जिनमें नेचुरल नंबर होते हैं, प्राकृतिक संख्या होती हैं, जीरो होता है और निगेटिव नंबर्स होते हैं, धनात्मक संख्याएं होती हैं। उसको हमने एक संख्या रेखा पर अगर देखते हैं, हम लोगों ने कल चर्चा भी की थी कि अगर संख्या रेखा पर देखते हैं तो जीरो की बाईं तरफ हम नेगेटिव नंबर्स को लिखते हैं और जीरो की दाईं तरफ हम धनात्मक संख्याओं को, पॉजिटिव नंबर्स को लिखते हैं। इस तरीके से ये थे इंटीजर नंबर्स। और आज हम चर्चा करते हैं सम संख्याओं के बारे में, इवन नंबर्स क्या होते हैं। दोज नंबर्स विच आर डिविजिबल, कंप्लीटली डिविजिबल बाई टू, वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। वे संख्याएं जो दो से पूरी तरीके से विभाजित हो जाती हैं वो सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरीके से संख्याएं हो सकती हैं। हम भाग देख, दो का भाग देकर देख लेंगे, अगर भाग जा रहा है तो इसका मतलब वो सम संख्या है। लेकिन यहां पर एक चीज और आती है, क्या वो देखते हैं हम, इज जीरो इवन और ऑड। जीरो जो है वो सम संख्या है या विषम संख्या है, इसकी जांच करने के लिए हम लोग कुछ फैक्ट्स देखते हैं कि कोई भी संख्या सम संख्या है या नहीं, उसके लिए कुछ फैक्ट्स हैं, उनको देखते हैं। अगर उन पर ये जीरो खरा उतरता है तो हम उसको सम संख्या मानेंगे, नहीं खरा उतरेगा तो हम उसे विषम संख्या मानेंगे। पहला फैक्ट क्या है, पहला फैक्ट ये है कि कोई भी संख्या जो दो से डिविजिबल है वो सम संख्या है। तो जीरो क्या डिविजिबल है, यस है, इसका मतलब जीरो क्या है, इवन नंबर है, नंबर। सेकंड, दूसरा फैक्ट ये काम करता है कि इवन नंबर से पहले ऑड नंबर होता है और इवन नंबर के बाद भी ऑड नंबर होता है। तो क्या जीरो के बाद पहले भी ऑड नंबर और जीरो के बाद भी ऑड नंबर है, देखते हैं। ये जीरो है, जीरो से पहले क्या आएगा, -1, और जीरो के बाद 1, जीरो से छोटा है -1, और ये जीरो से बड़ा है। तो पहले की संख्या -1 और बाद की संख्या +1, ये दोनों क्या है, ऑड नंबर है, इसका मतलब जीरो क्या है, इवन नंबर है। नंबर तीसरा फैक्ट देखेंगे कि जीरो वास्तव में इवन है या नहीं है। अगर हम किसी इवन नंबर में, इवन नंबर में किसी भी संख्या को जोड़ते हैं, माना एक्स कोई संख्या है उसको इवन नंबर में जोड़ते हैं और इवन नंबर ही प्राप्त हो, तो इसका मतलब वो जो संख्या है वो इवन होगी, वो सम संख्या होगी। अब यहां पर देख लेते हैं, ये जीरो है, जीरो को अगर हम दो में जोड़ते हैं तो इवन नंबर ही प्राप्त हो रहा है, अगर जीरो में चार जोड़ते हैं तब भी इवन नंबर प्राप्त हो रहा है, इसका मतलब जो जीरो है वो सम संख्या है। साथ में एक पॉइंट और है जो याद करने बहुत जरूरी पॉइंट है, उसको और देख लेते हैं। क्या ये कैसे पता लगाएं कोई नंबर
सम संख्या है या नहीं है, कोई संख्या वो सम संख्या है कि नहीं है, देखकर कैसे पता लगाएंगे, वो ये देखेंगे। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है, अगर किसी भी नंबर का इकाई का अंक अगर जीरो है या दो है या चार है या छह है या आठ है, इकाई का अंक केवल देखेंगे। यदि इकाई का अंक जीरो है, दो है, चार है, छह है या आठ है, तो वो सम संख्या होगी, वो दो से डिविजिबल है, इसीलिए वो सम संख्या है, वो इवन नंबर होगी। और यदि इकाई का अंक जीरो, दो, चार, छह, आठ इनमें से कोई नहीं है, अगर जीरो नहीं है, दो नहीं है, चार नहीं है, छह नहीं है, आठ नहीं है, अगर पीछे का अंक ये नहीं है, तो वो संख्या क्या होगी, वो ऑड नंबर होगी, वो विषम संख्या होगी। विषम संख्या वे सभी संख्या है जो दो से पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती है, उन्हें ऑड नंबर कहते हैं। जैसे एक, तीन, पांच, सात, नौ, ग्यारह, तेरह, पंद्रह, सत्रह, उन्नीस, इस तरीके से संख्या जहां तक हम गिन सकते हैं वहां तक ये संख्याएं होंगी जो दो से विभाजित नहीं हो रही है, वो विषम संख्या होंगी। बस थैंक यू, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।